बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पांड रोड जो एक मस्जिद के सामने भी है और स्कूल कॉलेजेस का रास्ता है, ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन हर चीज़ में हुकूमत का इंतज़ार करना ये शायद मुनासिब नहीं। महर वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकारों ने इस पर आज काम शुरू कर दिया और अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम वहाँ पे उन्होंने बजरा वगैरह डाला है। उस तरफ आप दिखाएं, वो सामने वो साथी लगे हुए हैं और यहाँ पे ये अच्छी खासी जगह बन गई, मजीद भी एक दो तीन दिन बाद बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मोहम्मद आलम साहब, ये एक सैंपल और नमूना है लोगों के लिए कि हुकूमत को गाली दो और हुकूमत को बुरा भला कहो, खुद नहीं उठो, कुछ नहीं करो। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं सिंध में है और कराची में है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, तो ये भी उसकी एक मिसाल है कि यहाँ पे महर के रज़ाकारों ने। मोहम्मद आलम साहब, मैं सबसे पहले तो तमाम रज़ाकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों ने हमें माली तौर पे सपोर्ट किया है, कोई सीमेंट लेके आया है, कोई बजरी लेके आया है और ये काम जारी है इंशाल्लाह, दो तीन दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा जज़ाकअल्लाह। इस तरीके से सब लोग अपने अपने मोहल्लों में अगर छोटे वोटे काम खुद ही करें, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना दे, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मोहम्मद आलम साहब को इस काम की तरफ तवज्जो दिलाई और हमारे रज़ाकार तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त तैयार रहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।